किन्नौर, भारतीय जनता पार्टी जनविरोधी नीतियां अपना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह द्वारा पूरे हिमाचल में किए गए विकास को लेकर चुनाव प्रचार करेंगे, जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जनता को गुमराह करने में लगे हैं, वो नहीं चाहते स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की सहानुभूति कांग्रेस पार्टी को ना मिले। जिला किन्नौर में भी मंडी लोकसभा के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस व भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं भाजपा व कांग्रेस के नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के लिए तूफानी दौरे करना शुरू कर दिया है। वहीं इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं किन्नौर कांग्रेस चुनाव प्रभारी केहर सिंह खाची रिकांगपियो पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं किन्नौर कांग्रेस चुनाव प्रभारी केहर सिंह खाची ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनविरोधी नीतियां अपना रही है। जिला किन्नौर में भी बाहरी व्यक्ति को भूमि खरीदने की इजाजत नहीं, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा प्रतिबंध को हटाकर दलाले के साथ बड़े पूंजीपतियों को बेचना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। केहर सिंह खाची ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह द्वारा पूरे हिमाचल में किए गए विकास को लेकर चुनाव प्रचार करेंगे, जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जनता को गुमराह करने में लगे हैं, वो नहीं चाहते कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व 6 बार के हिमाचल मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की सहानुभूति कांग्रेस पार्टी को ना मिले। जो कि ये बहुत गंभीर मामला है। किन्नौर एक ऐसा जिला था जहां बाहर के व्यक्ति को भूमि खरीदने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। बाहर के राज्यों की तो बड़ी दूर की बात थी, मगर अगर अन्य ही मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको जो इस पर प्रतिबंध लगाया था खरीदने में, उसको ओपन कर दिया है और धड़ल्ले के साथ बड़े बड़े पूंजीपति को किन्नौर की भूमि का बेचना एक बहुत दुर्भाग्य की बात है और कोशिश की जा रही है। समय चुनाव का है और चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी जहां विकास के नाम से जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है, आज आप देखते हैं कि आज त्राही त्राही मच गई है, बधाई कहाँ पहुंच गई है जिसका कोई अंत नहीं है। शायद हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ही नहीं, पूरे देश के इतिहास में इस तरह की बधाई का जो ग्राफ बढ़ा है, ये इतिहास पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। चाहे वो डीजल की बात ले लो, चाहे पेट्रोल की बात ले लो, चाहे रसोई गैस। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जनता को गुमराह करने में लगे हैं। वो नहीं चाहते जिन्होंने अपनी पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर बनाई, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा हुआ, रोशन हुआ। और राजा वीरभद्र सिंह जी ऐसे नेता थे कांग्रेस पार्टी के, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद पर विश्वास। किन्नौर से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।